नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता आ धरती कितना देती है। पूर्व के अंशों में हमने जाना था कि इस कविता के अंतर्गत कवि पंत जी ने अपने बचपन की एक महत्वपूर्ण घटना का चित्रण किया है। उस घटना को उन्होंने काव्य के माध्यम से आ धरती कितना देती है कविता के माध्यम से पाठकों के सामने रखने का जो सफल प्रयास किया है वह निश्चित रूप से सुधीजनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है कि यदि धरती माँ के प्रति निस्वार्थ भाव से, परोपकार के भाव से कोई बीज रोपा जाता है तो वह बीज कुछ समय के पश्चात अंकुरित होकर के एक पौधे में परिवर्तित हो जाता है और असंख्य तथा अनगिनत परोपकार प्रदान करता है। कवि पंत ने सर्वप्रथम बचपन में पैसे बोने की घटना का जिक्र किया जिसके पीछे स्वार्थ भाव छिपा हुआ था, जिसके प्रति जिसमें मानव कल्याण का भाव नहीं था। परिणाम स्वरूप पैसों के जो बीज थे वो अंकुरित नहीं हो पाए, किंतु कवि ने ममतावश, कोत उत्सुकतावश, प्रार्थ के भाव से जो सेम के बीज बोए थे वर्षा ऋतु के आगमन के बाद वह अंकुरित हो जाते हैं और वह बीज बेल के रूप में, पौधों के रूप में बदल करके अपने वंश की वृद्धि करते हैं। कवि ने उसी घटनाक्रम को आधार बना करके हमें बताने का प्रयास किया है कि जब सेम के बीज अंकुरित होकर के बेल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो वह बेल पास में ही घास फूस से बनी हुई जो झोपड़ी थी उसका सहारा लेकर के उस पर छा जाती है और उस पर असंख्य फलियां निकल आती है। कवि उसी दृश्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि ओहो, समय पर उनमें कितनी फलियां फूट टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी न्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, ऊप उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी उंगलियों सी, नन्नी नन्नी तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझे चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिल मिलकर कच पच्चियां तारों सी। कवि ने यहाँ पर सेम के बेलों पर पलिया लगने का जो वर्णन रोचकता के साथ किया है वह निश्चित रूप से कौतूहल उत्पन्न करने वाला और ज्ञान पिपासा को शांत करने वाला है। कवि पंत जी कहते हैं कि समय आने पर उनमें सेम की बेलों पर कितनी पलियां लगी वह असंख्य पलियां गिनी नहीं जा सकती थी, उनमें कितनी पलियां टूटी इसका अंदाजा नहीं लगा जा सकता था कि उन बेलों पर कितनी पलियां आई है। सारी की सारी पलियां कितनी न्यारी थी और चौड़ी चौड़ी पलियां लगी कि उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती थी। कवि कहता है कि पतली चौड़ी पलियां, पतली चौड़ी पलियां, कवि कहते हैं कि वे जो पलियां थी वह लंबी लंबी उंगलियों जैसी पतली और चौड़ी थी, नन्नी नन्नी तलवारों सी वह पलियां छोटी छोटी तलवारों के समान, पन्ने के प्यारे हारों सी पन्ने के सुंदर हारों जैसी दिखाई देती थी। कवि ने सेम की पलियों का वर्णन करते हुए बताया कि जो सेम के बीज थे जब वो बेलों में परिवर्तित हुए और बेलों के रूप में परिवर्तित होने के बाद जब उन पर पलियां आई तो वह इतनी संख्या में आई कि उनकी गिनती करना ही असंभव था। उन पलियों के आकार प्रकार के बारे में वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि वह पलियां पतली पतली चौड़ी चौड़ी थी,
देखने में लंबी लंबी उंगलियों जैसी लग रही थी। साथ के साथ ही वह छोटी छोटी तलवारों के समान ढली हुई थी। देखने पर वह पन्ने के हार जैसी प्रतीत हो रही थी। कवि आगे कहता है कि झूठ न समझे चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती। कवि कहता है कि आप इस घटना को, इस बात को असत्य मत समझना। ये जो पलिया हैं, ये चंद्रमा की कलाओं की तरह नित्य बढ़ती जाती थी। जिस प्रकार से अमावस्या के बाद जब आकाश में चंद्रमा को हम प्रतिदिन रात्रि में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रतिदिन रात्रि के समय चंद्रमा की कलाओं का आकार बढ़ता जाता है और पूर्णिमा तक वह पूर्ण आकार में आ जाता है। उसी प्रकार से उन पलियों को देखने पर सेम की वह पलियां प्रतिदिन चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ती हुई प्रतीत होती थी, अर्थात पलियों का आकार लगातार प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। झूठ न समझे चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल। वे पलिया ढेर की ढेर सच्चे मोतियों की तरह और कचपचियों तारों सी और कचपचिया तारों के झुंडों की तरह झिलमिलाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ने सेम की पलियों के जो आकार प्रकार के बारे में बताया है, वह सारांश रूप में यही है कि उनके बढ़ने की जो, उनकी वृद्धि होने की जो गति थी, वह ऐसी थी जिस प्रकार से प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, ऐसे ही उनका आकार बढ़ता था। वह पलियां मोती की लड़ियों के समान ढेर ढेर भर करके खिल रही थी, अर्थात नित्य बढ़ती जा रही थी। कवि ने इस पद्यांश में सेम की पलियों का जो स्वाभाविक वर्णन किया है, वह उनके प्रकृति निरीक्षण की समता को प्रकट करता है, साथ ही साथ धरती की उदारता के भाव को भी अभिव्यक्त करता है। अनुप्रास, ऐमक एवं उपमा अलंकारों का जो प्रयोग कवि ने किया है, वह निश्चित रूप से बहुत ही सामंजस्यपूर्ण है। बिंब योजना और चित्रात्मकता देखने योग्य है। कवि ने यहाँ पर प्रकृति की उदारता और सेम की पलियों की जो वृद्धि आकार प्रकार का जो स्वाभाविक चित्रण किया है, वह निश्चित रूप से हृदय स्पर्शी है। जय हिंद, जय भारत।